इन दिनों पूरे देश कोरोना वायरस की दहशत में है। वहीं नाला प्रखंड के कास्ता पंचायत अंतर्गत सुल्तानपुर बाउरी टोला के लोग डोभा का पानी पीने के लिए मजबूर हैं, जिसके फलस्वरूप कभी भी लोगों में भयंकर संक्रमण हो सकता है। मालूम हो को इस गांव में कुल 3 चापानल हैं और 35 घरों की आबादी वाले इस गांव में वर्षों से लोग डोभा का पानी पीने को मजबूर हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले विभाग द्वारा चापाकल की मरम्मत कराई गई थी, परंतु उक्त चापाकल में पीने लायक पानी नहीं निकलने के कारण लोग पुनः विवश होकर उसी डोभा का पानी पी रहे हैं, जो कि किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित पेयजल नहीं है। खुले खादान के स्रोत से निकले इस पानी में कभी भी संक्रमण हो सकता है। ग्रामीणों से पूछने पर बताया कि विभाग द्वारा विगत 2 वर्ष पूर्व कई चापानलों की मरम्मत कराई गई थी, परंतु उक्त सभी चापाकल में रासायनिक मिश्रित जल निकल रहा है, जिसके फलस्वरूप पीने लायक पानी वह कतई नहीं है। बाध्य होकर उन लोगों को डोभा का पानी पीना पड़ रहा है। जो पानी हम लोग पी रहे हैं बहुत गंदा पानी है, और हम लोग चाहते हैं कि हमारे गांव में एक टंकी बन जाए, ताकि हम लोग जरूरतमंद के खाने के लिए पीने के लिए पानी अच्छा सा हो और गंदा पानी ना पीने पड़े। ग्रामीणों ने सरकार से गांव तक जलापूर्ति योजना के तहत कनेक्शन की मांग की है, ताकि लोग इस गंदा पानी पीने से बच सके और विभिन्न संक्रामक बीमारियों का रोकथाम हो सके। यहां पर पानी का सुविधा होने से बहुत अच्छा होगा, जल टंकी बनाने की जरूरत है। सरकार ध्यान नहीं देता, सरकार ध्यान नहीं देते है हम लोग का पानी बहुत पीने की बहुत असुविधा हो गया है। पानी हम लोग का बहुत अच्छा से पानी कल से नहीं निकलता है, पानी ठीक तरह से नहीं निकलता है, पानी बहुत खराब है।